हे कृष्ण कन्हैया, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे आशीर्वाद दे, दे दे मेरे लाला। और कितनी परीक्षा लेगा, इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? 3 साल हो गए, 3 साल मुझे हो गए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का मिले हुए लाइसेंस। 3 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। हे गोवर्धन गिरधारी, एक एक बड़ा सा पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। कम से कम अगर वो ना हो तो एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलवा दे। अच्छा अच्छा वो ना हो तो कम से कम एक म्यूनसिपालिटी का बस स्टैंड ही दिलवा दे। हैं, इसी तरह कोई भी अच्छी चीज दिलवा दे। 3 साल से मांग रहा, दिया क्या है? खाली रोड और गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। कैसे जीऊंगा कृष्णा, कैसे जीऊंगा मैं, खुद ही सोचो। हे कृष्ण मुरारी, अगर म्यूनसिपालिटी वाले टाइम पे मेरा बिल पास नहीं करेंगे तो मेरे मजदूरों को पैसे कैसे दूंगा, कैसे चुकाऊंगा? हे माखन चोर, कल वो मेरा असिस्टेंट नहीं है, रंगीला, 1000 रुपए ले गया मुझसे। आज बोलता है वो हपची खत्म हो गए। आप ही रंगीला को बोलो ना कि पागलों की तरह ऐसे पैसे खर्च ना करे। गरीब हूं मैं, सड़क पे आ जाऊंगा मुकंद। हाँ, एक और बात, आप मेरे मजदूरों को बोलो ना कि ऐसे राक्षसों की तरह खाना ना खाए, ये मोटे मोटे पेट हुए उनके। बस मेरा बिल पास करवा दे, बाकी मैं देख लूंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम। अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब भगवान के साथ भी शुरू हो गया। बस बाबूजी, एक बार शुरू हो जाता हूं तो खत्म नहीं होता, बस डूबता ही चला जाता हूं। अच्छा जी, क्या कहा किशन ने, कुछ देगा? हाँ, अगले क्वार्टर तो काम चल जाएगा। ओए, ओए, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे, रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना? अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के, बार बार बना के। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। चश्मा उतार क्यों दिया, लगा के रख। अपने बाऊजी को भी तो देखने दे, कैसा लग रहा है। लगा। खूब, ये छाता, ये बस्ता, ये चश्मा, क्या ये सब? सड़क के जोशी की तरह। वो एक तोता और खरीद लो, सड़क पर बैठ जाओ, जितना कमाते हो उससे ज्यादा कमाओगे। ये बोल के कि तू मुझे 1 घंटे बाद पैसे लौटा देगा, तू पैसे लेकर गया। 5 दिन हो गए हैं, ना पैसा नजर आया ना तू। वो जो म्यूनसिपालिटी, वो जो चेक है, वो पैसे भी गए। लेकिन आप मुझे निकम्मा मत समझिए, आज नहीं तो कल ये सचिन टिचकुले बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन के दिखाएगा। और बाबूजी, उसके लिए मैंने सारी चलाकियां सीख ली हैं। तुझे सीखने की जरूरत नहीं है, भगवान ने ये खूबियां तुझे पैदाइशी बख्शी हैं। पिछले शनिवार से मेरी राशि बदल चुकी है बाबूजी, अब आप मुझे एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखोगे। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का कंस्ट्रक्शन, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का ट्रक, ये सारी चीजें घर के सामने रखने के लिए हमारे पास जगह तक नहीं होगी बाबूजी, पता आपको? तू मुझ पर एक एहसान करेगा? बोलो, आप जो बोलोगे करूंगा मैं। 2 टिचकुले में से मेरा टिचकुले निकाल दे। लोग जितनी गालियां तुझे दे रहे हैं उसमें मैं भागीदारी नहीं चाहता हूं। लेकिन बाबूजी, एक दिन आपको मुझे पे गर्व होगा। निकल यहां से। धोती तो छोड़ दे।
अब और क्या? वो एक 100 रुपये और मिलेगा, शाम को लौटा दूंगा। ये भूतनी का नहीं सुधरने वाला। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है, तू काम कर जाके चल। शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया। पहली बार इस घर में पुलिस आई है। वो पहले भी आ सकते थे, लेकिन आप लोग घूस दे के निकल जाते हो। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं फंस गया। चल बे हलवाई। गन्ने वाला रस्ते भूल गए। सुन इतना बेटे, चोली के पीछे क्या? चल बे। मैंने बाबूजी को बोला था माँ कि एक दिन वो मेरे बारे में बहुत गर्व से बात करेंगे, और वो दिन आ गया माँ। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर इस घर में चलने वाला है, और जो भी लोग मुझे देख के मुंह बनाते थे वो समझ लें कि सचिन टिचकुले की शुरुआत हो गई है। बाबूजी आशीर्वाद।